अधिकार दो हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वार्डों को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वार्डों को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लहलातपुर प्रखंड मुख्यालय में। लहलातपुर प्रखंड मुख्यालय में मुझे सूचना मिली है कि यहाँ इस प्रखंड के वार्ड लोग कुछ मांगे रखे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन यहाँ शुरू है। तो धरना प्रदर्शन में आप दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यह धरना प्रदर्शन आखिर लहलातपुर प्रखंड पर क्यों हो रहा है। मैं कुछ एक लोगों से जानना चाहूँगा, हालाँकि ये सारे लोग वार्ड हैं और अपनी अपनी मांगें लेकर रखे हैं, और क्या मांग है इनकी, क्या ते हैं वो चीज़ ये लोग रखेंगे और मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आखिर क्या मांग है कि लोग धरना पर बैठे हुए, धरना कैसा है, मतलब भूख हड़ताल है, या इनकी मांगे कब तक पूरी होगी। ये धरना एक दिवसीय है, दो दिवसीय है, महीने दिन चलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुमन प्रसाद। तो ये धरना आप वार्ड हैं क्या? वार्ड जीते हुए वार्ड पूर्व वार्ड है, वार्ड सदस्य। तो क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है कि अनुरक्षक जो बहाल हुए हैं उनका पैसा दिया जाए, और 2-2.5 साल से भत्ता का पैसा नहीं मिला है, अविलंब खाते में हस्तांतरित किया जाए। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है, मैं वार्ड सदस्य हूँ, और वार्ड कटिया पंचायत वार्ड 6 से मैं वार्ड सदस्य हूँ। पहले आप ये हमें बताइए कि ये धरना कितने दिनों तक चलेगा? ये आज ही का धरना है। ये मतलब एक तरह से प्रशासन को वार्निंग है, वार्निंग समझ करके आज एक दिन का धरना दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि वार्ड का मासिक भत्ता जो अभी तक नहीं मिला है उसको अविलंब खाते में हस्तांतरित। ये कब तक, कब से बाकी है? ये कम से कम जो पहले से जीते हुए हैं उनका करीब करीब 2 साल का बाकी है, और अभी जो जीते हैं उनका 8-9 महीने का बाकी है। तो ये अधूरा छोड़ी है, उस काम को अविलंब पूरा किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि अनुरक्षक का पैसा, जो अनुरक्षक जो मतलब नल जल को चलाते हैं सुबह से शाम तक, उन बेचारों का आज 3 साल के करीब हो रहा है नल जल को चलाते हुए, किसी के खाते में चाहे किसी को भी एक पैसा सरकार ने नहीं दिया है। ये समस्या हर पंचायत में है क्या? हर एक पंचायत में ये पूरा ब्लॉक का ही मतलब ये समस्या है, और इसके विषय में सरकार उन लोगों का पैसा दे, ताकि वो भी गरीब व्यक्ति हैं। तो ये आप बता रहे हैं कि 30-30 रुपये वसूलो, किस चीज़ का 30 रुपये? ये नल जल का। तो 30-30 रुपये कौन वसूले? लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार फ्री में चावल दे रहा है तो फ्री में पानी नहीं देगा। तो ये सरकार उसके लिए अपना एक व्यक्ति हर एक पंचायत में नियुक्त करे कि वो पैसा वसूले, क्योंकि अगर हम पैसा वसूलने जाते हैं तो कोई देने को राजी नहीं है। उसके लिए 36 तरह का बहस हमें करनी पड़ती है, और इसी के मतलब नल जल चलाने के लिए किसी भी अनुरक्षक या किसी भी वार्ड के खाते में पैसा नहीं दिया गया। तो ताकि ये मतलब ये धरना प्रदर्शन इसलिए हुई कि कुछ बातें बाकी है, और कुछ दिनों से इन लोगों का जो बकाया राशि है वो नहीं मिला, और आगे भी कुछ कामों में इंक्रीज करने के लिए। हालांकि ये धरना एक दिवसीय है, जैसे इन्होंने अपनी बातें रखी, 5-6 मांगें इन लोगों की है जो यहाँ रख करके धरना प्रदर्शन यहाँ लोग कर रहे हैं। फिर मैं आगे भी जानूंगा, यहाँ कुछ महिला भी दिखाई दे रही हैं, वो भी वार्ड सदस्य हैं। इनमें इन लोगों का क्या कहना है, मैं उन लोगों से भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? चिंकी देवी, हम बनपुरा पंचायत। तो धरना आप लोग क्यों दिए हैं? हम लोग धरना दिए हैं कि हमारा मांग पूरा कीजिए। जैसे 3 साल से हम लोग नल जल चला रहे हैं, अब बच्चा पेंशन भी नहीं हम लोग का मिल रहा है। आज जैसे विधायक, MP, सांसद, मुखिया, सब कुछ जैसा चुनाव होता है, वो सब हमारा भी चुनाव होता है, उनका भी रुपया खर्चा हुआ है, हमारा भी खर्चा हुआ है। तो उन लोग का पेंशन मिल रहा है, हम लोग का कहे नहीं मिल रहा है। पेंशन तो छोड़िए ना, अभी तो भारता भी हम लोग का नहीं मिला, पेंशन को तो गोली मारी। कितना दिन से बता? 2-3 साल से रुका हुआ है, हम लोग ताक रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, लास्ट में हम लोग ये नौबत। कहाँ से वार्ड है? बनपुरा पंचायत, वार्ड नंबर 5। पहले थे 5 साल, फिर अभी हैं। अच्छा, दोबारा रिपीट? नल जल टूट रहा है। 5 साल में आपको नहीं मिला? नहीं, 5 साल में एक भी बार नहीं मिला। मिला था, 2 बार मिला था, उसके बाद नहीं मिला है। उसके बाद नहीं।
ये है सरकार की योजनाएं और नीचे तबके का ऐसा कहा जाता है कि पंचायत तभी सुदृढ़ होगा जब ये नीचे तबके की सबसे निचली इकाई है सरकार की व्यवस्था की, जिसको वार्ड कहा जाता है। वार्ड की पकड़ होते हुए तब मुख्यमंत्री तक लोग जाते हैं और इस वार्ड में ही यह हाल है, लोगों को भत्ता नहीं मिला या कार्यक्रम ऐसा नल जल सात निश्चय योजना की या ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार जी का जो नल जल योजना है, और नल जल योजना में काम करने वाले लोग आज तक बिना पैसे के हैं। तीस रुपया महीना वसूला जाए जबकि कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है। नल जल का भी रिपोर्टिंग मैंने आप लोगों के पास डाला है। तो ये था लहलातपुर प्रखंड में, इस प्रखंड भर के जो भी वार्ड हैं वो वार्ड लोग धरना दिए हैं, कुछ इनकी मांगे हैं, वो मांगे मैंने बताई। हालांकि इनका 5-7 मांग है, उस मांग को लेकर के ये एक दिवसीय धरना दिए हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, जिसके अनुसार जो होगा वो मैं रिपोर्ट आपको कनक जीवन चैनल के माध्यम से दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।